आज है 9 जून और एक बार फिर से अल्टीमेटस नंबर 1 हाजिर है टीवी इंडस्ट्री और सेलिब से रिलेटेड 5 छोटी बड़ी खबरों के साथ। नंबर 1 पर बात करते हैं कश्मीर महाजनी के बारे में, जो कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में नजर आ रहे हैं। इंडिया के बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। इन्होंने पहली सालगिरह अपने घर वालों से दूर खतरों के खिलाड़ी की टीम के साथ गुजारी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1985 है और ये 39 सालों के हो चुके हैं और ये इनकी जिंदगी में सबसे पहली सालगिरह है जो ये अपने घर वालों से दूर मना रहे हैं। तो इसी दौरान इनका कहना था कि ये मेरी सबसे पहली सालगिरह तो है जो मैं अपने घर वालों से दूर मना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह भी बनने वाली है क्योंकि मैं अपनी कामयाबी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा हूँ। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अपने कैरियर का आगाज मराठी फिल्म कैरी ऑन मराठा से किया था, जो कि 2015 में आई थी। उसके अलावा सबसे पहला इन्होंने ड्रामा 2020 में इमली के नाम से बनाया था, जिसमें लोगों ने इनके अदाकारी को काफी सराहा था। मेरा दोस्ता को अपने 2020 में बनने वाला ड्रामा सीरियल विद्या की अभी तक सैलरी नहीं मिली। मेरा दोस्ता ने अपने पिछले शो विद्या की अदायगी न मिलने के बारे में हाल ही इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि ये शो मार्च 2020 में ख़त्म हुआ था और मैं अभी भी अपने ज़ेर अल्तवा वाजबात का इंतज़ार कर रही हूँ, यानी अभी तक मुझे इसकी सैलरी मुकम्मल तौर पर नहीं मिली। प्रोडक्शन आउट का मुझ पर 3,78,000 रुपये वाजिब अदा भी उन्होंने मुझे देनी है। इस ड्रामे की असल रकम 8 लाख रुपये थी, जिसमें से अभी तक 3 लाख रुपये उन्होंने मुझे देनी है और अभी तक उन्होंने मुझे नहीं दिए। इसके लिए मैंने पुलिस से भी रब्ता किया था मगर उन्होंने भी मेरी कोई खास मदद नहीं की। लेकिन इस ड्रामे के प्रोड्यूसर महेश पांडे पहले तो मेरी फ़ोन कॉल या मैसेजेस रिसीव कर लेते थे, मगर अब वो मेरी कॉल तक भी नहीं उठाते, पैसे देने तो बहुत दूर की बात। हिना खान भी राजन शाही पर आखिर क्यों भड़क पड़ी? हिना खान ने राजन शाही के शिवानंद जोशी के साथ मसाइल के बारे में इनके दावों को मुस्तरद किया। राजन शाही ने हाल ही में ये दावा किया था कि इन्हें हिना खान के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से इनके जगरे और साथी अदाकारा शिवानंद जोशी की तारीफ करने वाले मनाजर करने से इनकार के बाद इस शो से निकाल दिया। तहम एक हाल इंटरव्यू में हिना खान ने राजन शाही पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि जो शख्स अक्सर बोलता है वो हमेशा सही नहीं होता। इसने इस बात पर जोर दिया कि जबकि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम और एहतराम रखती हैं और कोई सख्त जज्बात नहीं रखती हैं, लेकिन ये भी नोट करना ज़रूरी है कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि गलत हो, और इसलिए कभी कभी जो बहुत बोलता है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। कपिल शर्मा शो में सानिया मिर्ज़ा ने अपनी दूसरी मोहब्बत का इजहार कर दिया। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सानिया मिर्ज़ा ने अक्षय कुमार के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो मेरी मोहब्बत का किरदार अदा करेंगे तो मैं अपनी बायो कैप में ज़रूर काम करूँगी। मानसी सलवी की एक बार फिर से होगी गुम है किसी के प्यार में एंट्री। मानसी सलवी जो आज से 4 माह पहले डॉक्टर ईशा भोसले के किरदार में गुम है किसी के प्यार में नजर आई थी, एक बार फिर से जनरेशन लैब के बाद इनकी एंट्री गुम है किसी के प्यार में फिर से कंफर्म हो चुकी है।